अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी हम लोग आए थे शाजी के घर, और मैं कभी कभी चक्कर लगा लेती हूँ देखने के लिए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो शाजी आज मेरे पास आई हुई थी काफ़ी दिनों के बाद। वैसे तो आती रहती है, लेकिन आती है और बस चली जाती है, बैठती भी नहीं है। ऐसे 10-15 मिनट के लिए आई और चली गई। तो आज वो ज़रा टाइम निकाल के आई थी, तो फिर इकट्ठे हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे क्योंकि है, तो इकट्ठे हम लोग सारे निकल आए थे। और बस उसका यहाँ पे घर देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये उसका किचन है, और अब उसका किचन सारा जो है वो इंस्टॉल होगा। उसने डिज़ाइन करवाया है पूरा किचन, और किचन तो इसका बहुत ही प्यारा है। जिसने पसंद किया है वो आप इंशाल्लाह देखेंगे तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा। अभी टाइल लग चुकी है, प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत प्यारी। ये है भाई शाल का रूम, प्यारा सा। अच्छा, एक एक्स्ट्रा रूम बढ़ गई सी। ये बहुत अच्छा व्यू है सबसे। नहीं शाल है छोटी वाली, सेफ्टी कोई नहीं। हाँ सेफ्टी कोई नहीं। ये बड़ा अच्छा व्यू है। अब जाओ ना, टाइम से हो लो। चलो चलो चलो। अच्छा ये रुमान दा रूम है। अच्छा ये भी देखो आके। ये क्या देखे? ये भी देखो, दिखाओ। आपने भी तोड़े? हाँ। क्या तोड़े? आज देखे और आम। आम नहीं है। कितने सारे हैं, प्यारे हैं। आजो। कितने तोड़े हैं? हैं? कितने तोड़े हैं? मैं क्या दिखाओ? दो है। तो पांच क्यों कह रही हो? दो। चलो आजो। और शाजी का जहाँ पे घर बन रहा है वहाँ पे बाग हैं बहुत प्यारे। कभी आम लग जाते हैं, कभी माल्टे ऑरेंज लग जाते हैं। तो जब भी हम वहाँ जाते हैं तो मेरी बेटी को स्पेशली वहाँ पे जाने का बड़ा शौक होता है। मम्मा वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। और जहाँ पे मेरी अम्मी का घर है वो तो वैसे ही बड़ा एक बिल्कुल अंदरून शहर वाला सिस्टम था सारा। घर पे घर जैसे चढ़े होते हैं उस तरह से था। तो अब खुले खुले एरिया में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ये बाग भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, घर पे घर बनते जा रहे हैं। तो खैर हम वापस आ गए थे और मैंने ऑर्डर किया था आज पिज़्ज़ा, क्योंकि इशाल जो मेरी बेटी है इशाल, उसका बड़ा दिल कर रहा था। और वैसे इशाल मेरी भांजी है, लेकिन मुझे ऐसे ही है जैसे मनाल है। नाम भी देखें सेम सेम हम लोगों ने रखे थे। अच्छा, मैंने आज दोपहर में बनाई थी डम्पलिंग्स, मोमोज जिसे कहते हैं। तो उसके साथ मैंने एक बहुत ही मज़े की सॉस भी बनाई थी। प्रॉपर रेसिपी आपको दूंगी। सबसे पहले देखें मैं मिर्चों को भिगो के रख रही हूँ। अच्छा ये मिर्चें जो है ना, ये लाल वाली मिर्ची हैं। ये बहुत बड़े साइज़ की मुझे नहीं मिली, थोड़े से दरमियाने साइज़ की हैं लेकिन अच्छी हैं। तो इनको भिगो के रख लूँगी। एक तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगी क्योंकि इनकी हम सॉस बनाएंगे, दूसरा इसमें जो मट्टी वट्टी होती है वो भी निकल जाएगी क्योंकि इसको फिर मैं एक दो पानी से निकालूँगी। अच्छा अभी मैं आटा गूंद रही हूँ, मोमोस या डम्पलिंग्स कह लें तो सेम चीज़ होती है। इसमें आटा मैंने लिया है जी 3 प्याली, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और इसको ठंडे पानी से मैं गूंद लूँगी। अच्छा आटा जब आपने गूंदना है तो थोड़ा सा आपने सख्त रखना है, बहुत सख्त भी नहीं रखना। जैसे हम समोसों का आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट रखना है। मेरा आटा थोड़ा सा नरम हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, और क्योंकि मेरे पास और मैदा भी नहीं था मुझे लगा कि मैदा रखा होगा, लेकिन नहीं था मैदा। तो खैर गुजारा हो गया था। मैं आगे चल के सारा आपको दिखाऊंगी।
अच्छा आटा मैंने गूंद के रख लिया, उसको थोड़ा सा रेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं फिलिंग करूँगी चिकन के साथ। तो मैं चिकन के बोनलेस मैंने पीसेस छोटे छोटे कर लिए थे और उनको मैं अब चॉप कर रही हूँ, उनको बारीक कीमे की तरह बना रही हूँ। अब मैंने लिया है जी पैन, इसमें डाला मैंने थोड़ा सा ऑयल और इसमें डाल दूंगी मैं कीमा, और मैं कीमे को ना थोड़ा सा कुक करूंगी। वैसे कच्चे वाले कीमा भी डलता है, आप डायरेक्ट उसको स्टीम करें तो उसमें पक भी जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहम हुआ, मैंने कहा नहीं शायद थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं कुक ही कर लेती हूँ। अच्छा, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, साथ ही एक छोटा चम्मच मैंने काली मिर्चियाँ ऐड की हैं, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड किया है और उसको अच्छी तरह से मैंने कलर चेंज होने तक पका लिया। जब चीज़ पक जाती है तो तसल्ली हो जाती है। एक टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है, साथ ही मैंने धनिया और मिर्चियाँ बारीक काट के रखी हुई थी वो डाली हैं। अच्छा, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना वो होता है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आजकल बिल्कुल भी नहीं आए हुए, तो बस मेरी मजबूरी थी वो मैं नहीं डाल सकी। चम्मच मैंने इसमें डाले हैं कॉर्नफ्लोर के, वो मैंने ऐड कर दिया ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए। बस उसको मैं डोंगे में डाल के रख रही हूँ ताकि वो ज़रा सा ठंडा हो जाए। सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं और सारी चीज़ों को अब मैं बाकी सारी चीज़ों को समेट लूँगी। यहाँ जी चूल्हे पे रखा मैंने एक स्टैंड और उसके ऊपर मैं टमाटर जो हैं वो उसको जला रही हूँ ताकि उसका छिलका जो है वो मैं बाद में रिमूव कर सकूँ, क्योंकि मुझे सॉस के लिए चाहिए। अब असल काम की बारी आती है, तो ये देखिए मेरे पास एक टूल था ये बनाने के लिए, लेकिन यकीन करें मेरा आटा इतना सॉफ्ट हो चुका था कि मैं इसको फिर हैंडल सही तरह से नहीं कर सकी, तो मैंने बस हाथों से ही फोक की मदद से बना लिया था, वो मैं आगे अभी दिखाती हूँ। तो ये थोड़ा सा पार्ट मेरे लिए मुश्किल था, इसको हैंडल करना, छोटा छोटा बनाना, क्योंकि ये छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं। तो खैर इनको मैंने जैसे तैसे करके बना लिया था और मैंने कहा मेरी बेटी को पसंद तो है, इस चक्कर में मैं बना तो रही हूँ, लेकिन आज मैं ये बना के बस फंसी गई हूँ, इतना मुश्किल था इनको वो हैंडल करना। इसलिए मैं कह रही थी कि आप बनाइएगा तो आटा थोड़ा सा सख्त रखिएगा। तो अभी तो खैर मैदा लगा के इसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या किया कि तीन पोर्शंस में मैंने ले लिए पेड़े बड़े बड़े से, और उसको मैं रोटी की तरह से बेल रही हूँ, और इसको बिल्कुल बारीक कोशिश कीजिएगा कि बेलिएगा। तो इसको पहले तो मैं काट लूँगी एक ग्लास की मदद से, और फिर इसको मैं फोल्ड कर दूँगी फिलिंग रख के, और फिर इसमें मैं फोक की मदद से इसको प्रेस कर दूँगी, इस तरह से वो बंद हो जाएंगे और शेप भी काफ़ी अच्छी आई थी। दो तीन मैंने ट्राई मारी थी लेकिन उसके बाद फाइनली मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगा कि इस तरह से ठीक है, क्योंकि मेरे पास टूल तो था, मैं उसे कर तो सकती थी, लेकिन वो फिर आटा इतना सॉफ्ट था कि इधर उधर से निकल रहा था, शेप सही से बन नहीं रही थी। यहाँ जी हमारे टमाटर जो हैं वो भी हो चुके थे, तो मैंने उनको पानी में डाला ताकि उसका छिलका जो है वो आसानी से मैं रिमूव कर सकूँ। और ये देखें बीच में ये फिलिंग रखी, फोल्ड किया, फोक की मदद से दबाया, दैट्स इट। इस तरह करके मैंने सारे बना लिए थे। और मोमोज तो मैंने सारे बना के फ्रीज़र में रख दिए थे ताकि थोड़ा सा उनको रेस्ट आ जाए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब सॉस। अच्छा, मिर्चों को मैंने ज़रा धो लिया था, उसका जो मिट्टी वाला पानी है वो मैंने निकाल लिया था, और इसको मैं डालूँगी चॉपर में। और ये इतनी मज़े की बनती है, अगर आप वैसी रोटी के साथ भी खाएँ ना तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही ये देखें टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर दिया था, तीन टमाटर मैंने इसमें डाल दिए चॉपर में। इसमें डाला जी थोड़ा सा नमक और स्वीट चिली सॉस जो है ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, मैंने डाली थी, टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है इससे। बस इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी, और साथ ही मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला था, एक तो इसका कलर अच्छा सा आ जाएगा, दूसरा बड़ा स्पाइसी सा हो जाता है। बस इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, हमारी मज़े की ये सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। आप वैसे ही थोड़ा सा इसको बना के रखें तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सिर्फ इसको वैसे तो ये ऐसी सर्व हो जाती है, लेकिन इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए ना मैंने इसमें थोड़ा सा पैन में डाला ऑयल, और इसको थोड़ा सा मैं कुक कर लूँगी ताकि बाकी जो बच जाए वो थोड़े दिन के लिए चल जाए, एक हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता चली जाएगी आराम से। तो बस जी इस तरह से मैं इसको कुक करके और जार में डाल के रख लूँगी, हमारी बड़ी मज़े की सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी।
अब मैंने लिया है जी स्टीमर, ये मेरे पास छोटा सा स्टीमर है जो मैंने मिनीसो से लिया था। आप अक्सर पूछते हैं कहाँ से लिया है, तो वहाँ से लिया था और काफ़ी टाइम पहले से है मेरे पास, बड़ा ही काम आता है। सब्ज़ियाँ मैं मुझे स्टीम करनी हो या कुछ भी ऐसा वैसा तो मैं आराम से स्टीम कर लेती हूँ। ये देखें जी हमारे बहुत सारे जो है मोमोज बन गए थे, तो ये देखें स्टीमर जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं रख दूँगी, अच्छा एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना वरना ये फिर चिपक जाते हैं। तो आजकल मुल्तान में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ से मोमोज मिलते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चे क्योंकि टीवी में ये इधर उधर देखते हैं तो फिर उन्हें इस तरह की चीज़ों का पता भी चल जाता है, फिर वो बार बार फरमाइश भी करते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज बना के देखती हूँ कैसे बनते हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। मेहनत बहुत लगी थी, यकीन करें अगर टाइम हो तो बनाइए कि बाहर से खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम घर पे बनाएं। तो खैर यहाँ पे जी स्टीम हो चुके थे। अच्छा इसको बाद में मैंने क्या किया, थोड़ा सा आप इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल में, तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, वरना ऐसे भी बहुत बहुत यमी और बहुत टेस्टी थे। तो अच्छी तरह से मैंने इनको आधे घंटे के लिए स्टीम किया था ताकि इसका मैदा जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए, और बस बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। सॉस मैंने छोटी वाली कोली में डाल दी थी और अभी अभी स्कूल से आई थी, तो सरप्राइज़ एकदम देख के ना बड़ी खुश हो गई थी मेरी बेटी। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो मैं यहाँ पे आई थी हॉस्पिटल, मुझे 2 काम थे, एक तो मुझे अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना था, मेरी आज अपॉइंटमेंट थी, और दूसरा मेरी बेटी की भी अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट से। तो बस यहाँ पे आए हैं, तो क्योंकि अब बीच में गैप था अपॉइंटमेंट के बीच में, तो काफ़ी टाइम था और ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। और नीचे इनका कैफ़े है बड़ा ही मज़े का, और मतलब खाना तो कभी अच्छा होता है कभी नहीं अच्छा होता, लेकिन बैठने का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। चाय खैर यहाँ की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन खाना जो है वो आज तो लंच टाइम में तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो खैर यहाँ पे जी हमने ब्रोस्ट लिया, जलफ्रेजी थी, साथ में एक आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, रोटी थी। तो हम 3 जने थे, सोनिया मैं और मनाल, तो हम लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे थे। और मेरी बेटी का रूट कनाल मैंने कराया था कुछ दिन पहले, लेकिन दोबारा वहाँ पे पेन जो है वो उसको स्टार्ट हुआ था, तो वो दोबारा से चेक करवाने आई थी। और मेरा आपको पता है कि पिछले दिनों एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू था, तो मैंने कुछ दिन पहले हाइड्रा फेशियल भी लिया था, उससे यकीन करें मेरे सारी एक्ने ख़त्म हो गई है। अब मेरे जो स्पॉट्स हैं उनको मैं हील करती फिर हूँ, और बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो गए थे, आप लोगों ने भी इवन नोटिस किया था। खैर अब उसको तो मैंने ठीक करना शुरू कर दिया और काफ़ी हद तक मेरे सेट भी हो गए हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस इतना मेरा हो गया था कि मेरा फिर काफ़ी ज़्यादा वो इशू हो गया था, हालाँकि मुझे होता ही नहीं है। खैर जी उसके बाद मुझे मार्केट में काफ़ी सारे काम थे, तो फिर हम लोग मार्केट आ गए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।